आईपीएल का आगाज 29 मार्च को मुंबई में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले जाने वाले मुकाबले से होगा। इस बीच आईपीएल संचालन समिति के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार के कारण ग्लैमर से भरे इस टूर्नामेंट पर किसी खतरे की संभावना को खारिज कर दिया है। ब्रिजेश पटेल ने कहा कि अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। आईपीएल के 13वें सीजन का फाइनल मुकाबला 24 मई को खेला जाएगा। पटेल से जब पूछा गया कि क्या आईपीएल को कोरोना वायरस से कोई खतरा है, तो उन्होंने कहा कि अभी तक कोई खतरा नहीं है और हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 12 मार्च से धर्मशाला में शुरू हो रही वनडे सीरीज और आईपीएल को कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है। गांगुली ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ नहीं है, हमने इस बारे में भी चर्चा नहीं की है। घातक कोरोना वायरस के कारण अब तक दुनिया भर में 3100 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है और 90,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं। यानी कि अब कोरोना वायरस का खतरा धीरे धीरे आईपीएल में भी आता दिखाई दे रहा है। हालांकि बीसीसीआई ने इन तमाम संभावनाओं को सिरे से नकार दिया है। अब देखना होगा कि क्या कोरोना वायरस आईपीएल पर असर डालेगा। एलडी न्यूज रूम की रिपोर्ट।